दोस्तों यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग बनाम कोलकाता नाइट राइडर के मध्य खेला गया। चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर के तरफ से क्रीज पर उतरे सुनील नारायण और फिल साल्ट। कोलकाता के तरफ से सुनील नारायण ने 27 रनों का योगदान दिया। नारायण ने 3 चौके 2 छक्के भी लगाए। वही फिल साल्ट शून्य के स्कोर पर पवेलियन चले गए। अंग क्रिस रघुवंशी ने 18 गेंदों में 24 रन बनाए, साथ ही 3 चौके 1 छक्के भी लगाए। कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 34 रनों का योगदान दिया। रिंकू सिंह और आंद्रे रसल का बल्ला शांत रहा, दोनों ने 10-10 रन बनाकर आउट हो गए। इन बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज 10 रनों से ज्यादा नहीं बना सके। कोलकाता नाइट राइडर की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 130 रनों का लक्ष्य दिया। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से तुषार देशपांडे और रविंद्र जडेजा को 3-3 विकेट मिले। 130 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्रीज पर उतरे चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र। वही रचिन रविंद्र ने 3 चौके लगाकर पवेलियन चले गए। डेरिल मिचेल ने भी 25 रनों की शानदार पारी खेली। मिचेल ने 1 छक्के 1 चौके भी लगाए। वही चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेल डाली। ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 50 गेंदों में 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 2 छक्के 3 चौके भी लगाए। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से शिवम दुबे ने 10 गेंदों में 28 रनों की खतरनाक पारी खेली। दुबे ने अपने पारी में 3 छक्के 1 चौके भी लगाए। कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से वैभव अरोरा को 2 विकेट और सुनील नारायण को 1 विकेट मिले। इन सभी की मदद से चेन्नई सुपर किंग की टीम 8 विकेटों से विजयी रहा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।